जैसे मैं प्रतिमा अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए, उसे एक नई पहचान देने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही हूँ, वैसे ही मुझे लगता है कि संसार की हर माँ अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए, उनका जीवन बनाने के लिए संघर्ष करती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करती है। आज हमारे साथ वीडियो कर्मी की कुछ ऐसी महान माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, उनको एक नया जीवन दान दिया, उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। आज हमने कुछ माओं को यहाँ बुलाया है और उनके लिए एक सरप्राइज़ भी है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ का जो काम है ना, उसको कोई थैंक यू नहीं बोलता, उसे कोई धन्यवाद नहीं देता। आई थिंक इट्स अ थैंकलेस जॉब इंडीड, इसलिए मैं यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, एंड आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, चलिए देखते हैं। धन्यवाद। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके चॉइसेस लाइफ में, चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी चॉइसेस बहुत डिफरेंट रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माय मम इज़ दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन ओके विद ऑल माय चॉइसेस, एंड नॉट जस्ट ओके, शी हैज़ सपोर्टेड, फॉट फॉर मी ऑल्सो विद द चॉइसेस, वेदर इट वॉज चूजिंग जर्नलिज्म, वेदर इट वॉज कमिंग टू मुंबई, वेदर इट वॉज डूइंग और ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू इन लाइफ, एंड इवन लाइक यू नो व्हेन आई डिस्कस द आइडिया ऑफ अडॉप्शन बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू अडॉप्ट, शी हैज़ ऑलवेज बीन सो सुपर सपोर्टिव। बहुत सारे फैमिलीज में ये सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे पता है, नथिंग अगेंस्ट देम, बट आई हैव प्रिविलेज टू हैव माई मदर हु इज लाइक हु स्टूड बिहाइंड मी लाइक अ रॉक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थैंक यू मॉम फॉर जस्ट बींग यू एंड बींग देयर फॉर मी, बिकॉज आज के ज़माने में भी जब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो लड़की जैसे हो, तो मुझे बेहद खुशी होती है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं लड़की जैसी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं अपने माँ के जैसे ज़्यादा हूँ, विच इज़ अ फैक्ट। इट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज अगर मैं आज जहाँ पर भी हूँ, इट हैज़ बीन ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई मदर। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं शायद कभी जर्नलिस्ट नहीं बनती, जर्नलिस्ट तो बहुत दूर की बात है, शायद मेरा इतना एजुकेशन भी नहीं हो पाता, इतनी फ्रीडम जो है मुझे लाइफ में हर एक चीज़ चूज़ करने की, जो लाइफ मुझे चाहिए वो चूज़ करने की, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की वजह से मुझे मिली है। शी वॉज द वन हु पुश्ड माई फादर टू लेट मी परस्यू माई ड्रीम्स, टू लेट मी स्टडी, वरना उनका बस चलता तो वो बोल देते कि शादी करवा दो, बस हो गया। पता है जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और उस वक्त इट वॉज अ वेरी क्रूशियल एक्सीडेंट, और वो कोमा में थे, उसके बाद इट बिकम लाइक ए वेजिटेबल, और मम्मी ने यू नो पूरे घर को संभाला, शी वॉज अ हाउस वाइफ, उसके बावजूद भी वो उनके सारे काम पे, प्रोजेक्ट्स पे लेके जाती थी हमको, आई यूज टू गो विथ हर, और वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे पापा का पूरा बिजनेस काम जो था वो समझा, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को संभाला, पूरे घर को संभाला, तो शी वॉज लाइक यू नो बींग पापा थे, बट एज आई सेड के वेजिटेबल टाइप थे, तो उन्होंने दोनों का फर्ज निभाया, तो ये जो ब्रेवरी है जो उन्होंने किया, इतने टाइम तक करती रही जब तक हम बड़े हो गए, यू नो मैं और मेरी सिस्टर, पूरी पढ़ाई लिखाई हो गई, जॉब हो गया, सब कुछ प्रॉपर हो गया, तब तक शी डिड दैट, एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट। Parents sacrifice so many things for us to give us the best lifestyle, and similarly my mom, she gave up her job to look after us. I mean, sacrificing on your career is not a small thing, it's a huge thing. She sacrificed her lifestyle to give us the best upbringing, to get us the best lifestyle, to fulfill our needs and desires. So yeah, I mean, that is just one of the zillion things that she has sacrificed for me. Meri ma jab bhi main gira hu mere bagal mein khadi hui hai, ye dekhiye mujhe ek bar bahut bada cricket ball maine yahan mara tha, lag raha tha ki yaar mera आई साइड चला जाएगा, मेरी माँ मेरे बगल में खड़ी थी, मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई थी, मेरी माँ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, और मुझे अंदर से भी इतनी स्ट्रेंथ आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी माँ मेरे बगल में है, तो डॉक्टर क्या, भगवान भी मुझे बचाएगा, और क्या बचाया। माने तो मेरी माँ को बेबी अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे इंसिडेंट था कि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और नाइट टाइम था, और मैं ट्रेन में चढ़ रही थी, बहुत छोटी थी, शायद फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड पे होगी, और मेरी मम्मी मेरे पीछे आ रही थी,
तो एक इंसान जो था वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करने वाला था मुझे, और मम्मी ने उसे छाते से पीटा था. सो माय मॉम इज लाइक 5 feet, और उन्हें वो हिम्मत दिखाई और वो हाथ में कुछ नहीं था उनके, सिर्फ छाता था. उसने उसे बहुत पीटा था, जैसे लोग रुक के पीछे देखने लगे थे मुड़ के. सो तब से मैं और मेरे पापा ये हमेशा कहते हैं कि उन्हें ब्रेवरी अवार्ड देना चाहिए. तो अगर मैं अपनी मम्मी का सेक्रीफाइस, जो मुझे याद है मेरे कॉलेज टाइम में, मेरी मम्मी ना लाइक कुछ देखा था, उन्होंने कुछ ज्वेलरी पीसेस देखे थे जिनके लिए वो काफी टाइम से पैसे जोड़ रही थी. देन मैं कहीं जाना चाहता था, उस टाइम मैं इतना अर्न नहीं करता था, लेकिन वो उतने मेरे पास बच नहीं था, तो मम्मी ने वो वाले सारे पैसे मुझे दे दिए थे. बट मैंने उसको रीपे किया था जब मेरी सैलरी अच्छी होगी, तो वही चीज मैंने उनको जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, बट लेके दे. बस से गिरने वाली थी, मम्मा ने जस्ट पकड़ा नहीं होता हाथ, तो आई वॉज ऑलमोस्ट डेड. वो फेस बहुत ही मेरे लिए स्पेशल था. मैं स्कूल में थी और मैं जा रही थी, तभी मेरा बस से एक्सीडेंट होते हुए, बस से गिरते गिरते एक्सीडेंट होते हुए बचा. वो पल को मैं सोचती तो मैं आज भी काफी इमोशनल हो जाती हूँ.